हेलो स्टूडेंट्स, आरसीए एजुकेशन आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में अपना लेसन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज का टॉपिक अपने पास में स्थिर अनुपात का नियम। पिछली क्लास में अपन ने प्रथम नियम किया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आज बात करेंगे अपन स्थिर अनुपात का नियम, जो किसने दिया था? प्रॉस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? प्रॉस्ट नामक वैज्ञानिक। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक का निर्माण के लिए एक से अधिक विधियां प्रयुक्त की जाए, परंतु उसमें उपस्थित तत्वों का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। क्या कहा अपन ने? किसी भी यौगिक का निर्माण के लिए एक से अधिक विधियां प्रयुक्त की जाए, परंतु उसमें उपस्थित तत्वों का अनुपात क्या रहता है? हमेशा स्थिर होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? स्थिर अनुपात का नियम। जैसे अपन यहां पर इसका उदाहरण लेंगे, CO2 का निर्माण। इसकी बात करेंगे अपन, CO2 का निर्माण। अब CO2 का जो निर्माण है, यहां पर अपन ने चार विधियां काम में ली है। कितनी विधियां काम में ली बेटा? चार विधियां काम में ली है। तो देखिए, इधर सबसे पहले है कार्बन का दहन या जलना क्या बनेगी? CO2, राइट। फिर अपने पास में है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, पहला लिया अपन ने कार्बन का दहन या जलना, तो क्या बनी? C+O2 = CO2। फिर लिया अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट का जलना, तो यहां बन गया CaO+CO2। ये भी CO2 और ये भी CO2। फिर लिया अपन ने सोडियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गर्म करने पर, राइट। देखिए, यहां बनेगा अपने पास में NaCl और क्या बनेगा अपने पास में? H2O और क्या बनेगा अपने पास में? CO2। ये अपने पास में बैलेंस कर लो। ये देखो, दो Na, दो Cl, दो Cl, हाइड्रोजन दो, कार्बन एक, ऑक्सीजन कितने? 3, 2 रे 3। यहाँ भी क्या बनी अपने पास में? CO2। एक और लिया अपन ने सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करने पर, क्लियर। देखो इसमें क्या बनेगा, एक तो बनेगा अपने पास में Na2CO3, क्या बनेगा? Na2CO3। एक बनेगा आपका H2, एक बनेगा अपने पास में CO2। देख लीजिए, दो सोडियम कार्बन गिनो आप, दो कार्बन है, एक और दो, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन कितनी? 3, 4, 5, 6, क्या बनेगी? CO2, क्लियर। तो अपन ने कौन सा मेथड काम में लिया? कार्बन का दहन, क्या बनी? CO2। फिर कौन सा लिया? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, क्या बनी? CO2। फिर क्या किया? सोडियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गर्म करने पर, क्या बनी? CO2।
फिर क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनी, CO2। चार विधियां काम में लिए, सब में क्या प्राप्त हुई, CO2 प्राप्त हुई। और इस CO2 में कार्बन ऑक्सीजन, एक कार्बन का भार कितना है 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो गया 16:32, 12:32 सब में रहेगा। सर अनुपात क्या हो जाएगा, 4 × 12 और 832, तो सभी में कार्बन ऑक्सीजन अनुपात क्या रहेगा, 3:8, इसको बोलते हैं अपन स्थिर अनुपात का नियम। ऐसे ही आपका जो जल है, चाहे वर्षा का जल हो, नदी का जल हो, शुद्ध जल हो, उस सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहेगा, 2:16 या कहेंगे 1:8, 2:16 या 1:8 हमेशा स्थिर रहेगा, हमेशा रहेगा, क्या कहेंगे, स्थिर अनुपात का नियम। परंतु जैसे जैसे समय निकलता गया, जब तत्वों के समस्थानिकों की खोज कर ली गई, तत्वों के समस्थानिकों की खोज कर ली गई, तब इस नियम को सही तरीके से यूज नहीं किया गया। जैसे उदाहरण लिया अपन ने लेड क्लोराइड PbCl2, क्या लिया PbCl2, जिसमें लेड के दो समस्थानिक है, एक तो Pb इसका द्रव्यमान है 206, एक Pb इसका द्रव्यमान है 208। तो यहां पर अगर इसके साथ अनुपात निकाले तो एक अनुपात आएगा 206:35.6, 35.5 और 35.5 कितने होंगे 71, तो एक तो अनुपात आएगा 206:71 और एक आएगा अपने पास में 208:71। अब कौन सा अनुपात होगा ये डिसाइड करना संभव नहीं है। तो वर्तमान समय में ये नियम समस्थानिक वाले तत्वों के यौगिकों पर लागू नहीं होता है। क्लियर बेटा, ये था आपका स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर, उम्मीद करता हूं इन उदाहरणों से ये नियम समझ में आया होगा। इसमें एक अपवाद भी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।